Hacı Bost. Vaci Hacı Bost İmra. Because I wanted to. I like you, divorce. I'm old enough. Who shows your body? You divorce Nimbra, or she divorced you? I fucking got rid of her. She was a headache. Properly, proper headache. I won't say that she was a headache, but we were not compatible. Orcus. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने स्टार्ट में ही देख लिया कि निमरा खान के हस्बैंड जो हैं, एक्स हस्बैंड, उन्होंने इनकी डिवोर्स के बारे में हकीकत बता दी है, क्योंकि निमरा खान अब तक खामोश रही थी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन ये जो है इनके एक्स हस्बैंड जो है, इन्होंने आके सोशल मीडिया पर बाकायदा अपनी डिवोर्स के बारे में बताया है, और ये भी कहा है कि निमरा खान जो है वो इनके सर का दर्द बन गई थी। और जैसे कि आप इनकी पिक्चर्स देख ही रहे हैं कि शादी के बाद ही कितने ज़्यादा खुश थे, और फिर ऐसा अचानक क्या हुआ, सब सुनिए इनकी वॉइस। Divorce because I wanted to. I like your divorce. I'm old enough. सो आप सुन रहे हैं इनके हस्बैंड क्या कह रहे हैं कि Shazia निमरा खान इनके लिए सर का दर्द थी। सो देखने से तो लग रहा है कि ये निमरा खान के सर का दर्द बन चुके थे, और बाकी क्या था सब कुछ वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन बस निमरा खान के लिए सब दुआई कर सकते हैं। और ये इनकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, जिस पर उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि निमरा खान ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की थी, ना इनके ख़िलाफ़ कुछ भी कहा था। तो इनके एक्स हस्बैंड जो है वो बोल पड़े हैं, और उन्होंने बता दिया कि लोगों ने उनसे, जब ये लाइव है तो लोगों ने इनसे पूछा कि आपकी डिवोर्स वगैरह के बारे में, तो उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। इनके हस्बैंड की लाइफ के बाद लोगों ने इनके हस्बैंड को बहुत बुरा भला कहा है, इनके एक्स हस्बैंड को, कि ये शराबी था और इस तरीके से। तो ये थी वीडियो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।